हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में चार ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे जो आपको लंबे समय से होने वाली खांसी, बदन दर्द और बुखार में फ़ायदा करने वाली हैं। साथ ही साथ जब आपको सर्दी हो जाती है, सर्दी की वजह से कई बार खांसी बहुत ज़्यादा होती है, खांसी पुरानी हो गई है, तब उस कंडीशन में फ़ायदा करने वाली चार उन दवाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करने वाली हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास मॉक्सिकाइंड CV-625 के नाम से ये टैबलेट है, जो कि 10 टैबलेट्स की एक स्ट्रिप्स आती है। आप यहाँ देख सकते हैं जिसकी मार्केट प्राइस 190 रुपये रहती है। दोस्तों, 190 रुपये में 10 टैबलेट आपको ये आसानी से सभी फार्मेसी स्टोर पर मिलती हैं। ड्रग कंपोजिशन की इसमें अगर बात करें तो एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवरोनेट इसमें 625 mg रहता है। दोनों ही दवाएँ मिलकर काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं, तो फर्स्ट टैबलेट हमारे पास ये आ जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सेकेंड टैबलेट मॉन्टिकॉप के नाम से आती है, जिसके अंदर ड्रग कंपोजिशन की मैं बात करूं तो मॉन्टीलुकास्ट रहता है, 10 mg मॉन्टीलुकास्ट इसमें आता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें 5 mg लिवोसिट्राजिन होता है। तो इस तरह से दो दवाओं से मिलकर ये टैबलेट बनती है। मार्केट प्राइस की बात करें तो 99 रुपीज़ में आपको 10 टैबलेट्स की एक स्ट्रिप्स ईजिली सभी फार्मेसी स्टोर पर मिलती है। थर्ड मेडिसिन जो हमारे पास है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं रेनिटिडिन 300 mg, जी हाँ गाइस, जो कि एसीलॉक 300 के नाम से आती है, जो कि इसका ब्रांड नेम है, कैडिला का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन कंपनी है। इसमें आपको 20 टैबलेट्स की स्ट्रिप्स मिल जाती है। मार्केट प्राइस को जाने तो 50 रुपीज़ MRP इस पर मेंशन की हुई है, यानी कि लगभग 50 रुपये में आपको सभी फार्मेसी स्टोर पर ये टैबलेट भी मिल जाती है। और हमारे पास जो लास्ट टैबलेट है, फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास टैबलेट है, फेनक प्लस, जो कि रेनबैक्सी का आता है, जिसके अंदर डाइक्लोफेनक एंड पैरासीटामोल रहता है। तो ये आपको बुखार और पेन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। बॉडी में आपको पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये फ़ायदा करता है। चलिए दोस्तों, इन चार खुराक के बारे में जानते हैं आपको किस तरह से लेनी है। तो सबसे पहले जो एडल्ट डोज में इसकी बात करें तो एक एक टैबलेट्स इन तीन मेडिसिंस में लेनी है, यानी कि आपको मॉक्सिकाइंड CV-625 लेनी है, इसके अलावा आपको एसीलॉक 300 लेनी है और आपको फेनक प्लस लेनी है। ये टैबलेट आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज़ करनी होती है। इसके अलावा मॉन्टिकॉप टैबलेट आपको खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के एक घंटे बाद यूज़ करनी है, और मॉन्टिकॉप टैबलेट को आपको इन तीनों टैबलेट के साथ यूज़ नहीं करना है, यानी कि मॉन्टिकॉप टैबलेट आपको सिंगल यूज़ करनी है इनसे अलग। दोस्तों, इसको अगर आप बच्चों के लिए खांसी में यूज़ करना चाहते हैं तब आपको 6 साल से लेकर के 13 साल तक के बच्चे को यूज़ कराना है, और उसमें आपको आधी टैबलेट मॉक्सिकाइंड CV-625 लेनी होती है, आधी टैबलेट आपको रेनिटिडिन लेनी होती है, इसके अलावा आपको आधी टैबलेट फेनक प्लस की लेने के बाद ये तीनों ही टैबलेट आप एक साथ बच्चे को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करा सकते हैं, सुबह शाम यूज़ करानी है। इसके अलावा आपको जो मॉन्टिकॉप टैबलेट बच्चे को देनी है, उसमें आपको आधी टैबलेट बच्चे को खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के एक घंटे बाद देनी है, और इसको सोते टाइम ही यूज़ कराना है। तो गाइज, इस तरह से ये चार खुराक मिलके आपको खांसी में काफ़ी अच्छा फ़ायदा करती हैं, और कितनी भी पुरानी खांसी हो आपको ईजिली ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था उन चार खुराक के बारे में जो आपको पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने में काम आती हैं। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन का वीडियो आपकी जानकारी के लिए प्रोवाइड्स कराया जाता है। आप वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इन मेडिसिंस का या फिर किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर से कर लें। वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होती हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का उन चार खुराक का वीडियो जो आपको खांसी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करने वाला है। कितनी भी पुरानी खांसी हो आपको तुरंत फ़ायदा करने वाली ये टैबलेट हैं। इसके अलावा आपको ये बुखार और कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करती हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए मेडिसिन रिव्यू के वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, धन्यवाद।